हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपसे ये यूफोर्बिया मिली के प्लांट की केयर के बारे में शेयर करूंगा। तो आज मैं आपको इसकी क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और इसे हम कैसे प्लांट को बचा सकते हैं और इस प्लांट को हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं, तो उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। तो यूफोर्बिया मिली, जिसे हम क्राउन ऑफ थ्रोन भी बोलते हैं, इसलिए क्योंकि इसके पूरी ब्रांच पे ये देखिए कितने कांटे होते हैं। और इस प्लांट को लगाना भी बहुत ही इजी है और ये प्लांट बहुत ही इजीली ग्रो कर जाता है। इस प्लांट की बहुत ही कम केयर करनी पड़ती है। अगर हम इस प्लांट की जितनी कम केयर करते हैं, ये प्लांट उतना ही ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है और इसमें कोई भी खाद, फर्टिलाइज़र कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये मेरे प्लांट बहुत ही बड़े नहीं हैं, ये मैंने कटिंग से लगाए थे, तो ये देखिए अभी तक ये छोटी कटिंग्स ही हैं। तो ये कब की तैयार हो चुकी हैं, तो अब ये ग्रोथ अच्छी कर रही हैं। इन्हें मैंने पॉलीबैग में ये कटिंग्स लगाई थी, तो पहले आपसे वीडियो भी मैंने शेयर की थी, तो अब ये कटिंग अच्छे से ग्रो कर चुकी हैं। बस इसमें क्या दिक्कत बीच में आ रही है कि ये देखिए विंटर्स में कई बार क्या होता है कि इसकी पत्तियां इस तरह से मुड़ने लग जाती हैं या फिर सूख के गिरने लग जाती हैं, तो ये नेचुरल होता है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा पत्तियाँ ऊपर से फोल्ड हो रही हैं या सूख के सभी पत्तियाँ गिर रही है, इसका मतलब होता है कि आपके प्लांट्स में कहीं ना कहीं ओवर वाटरिंग हो रही है या उसकी रूट्स में फंगस ग्रो हो रही है। तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है, आप अपने प्लांट में पानी देना बिल्कुल बंद कर दें। तो ये देखिए इस कटिंग के साथ भी यूं ही हुआ था, तो इसकी सभी पत्तियां झड़ गई थी, जिसके कारण ये देखिए इसमें कोई भी लीव्स नहीं थी। तो उसके बाद मैंने इसमें बिल्कुल पानी देना बंद कर दिया था और कुछ टाइम तक बिल्कुल पानी नहीं दिया था, तो उसके बाद ये देखिए इसमें न्यू लीव ग्रो कर गई है। तो जो भी इसमें फंगस थी वो ऑटोमेटिकली अपने आप ख़त्म हो गई है। तो इसमें जब अच्छे से पानी सूख जाए, उसके भी मैंने 5-6 दिन के बाद इसमें पानी देता था, तब ये प्लांट बिल्कुल सेट हो चुका है। तो अगर इस प्लांट को मिट्टी की बात करें तो इसे किसी मर्जी आप मिट्टी में लगा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए, जैसे ही आप पानी दें तो एक्स्ट्रा पानी हाथों हाथ निकल जाए। चाहे इसकी थोड़ी हार्ड मिट्टी हो तो भी ये आराम से ग्रो कर जाता है। इस प्लांट को ग्रो करने के लिए एक सबसे अच्छी टिप है कि आप कोशिश करें कि इसे छोटे पॉट में लगाएं। प्लांट के हिसाब से आप उसका पॉट का साइज छोटा ही सिलेक्ट करें। अगर आप छोटे से प्लांट को बहुत बड़े पोट में लगा देते हैं तो उसमें क्या होता है कि बड़े पोट में पानी इजीली ड्राई नहीं होता, जिसके कारण इसमें फंगस ग्रो कर जाती है और ये प्लांट खराब हो जाता है। जैसे ये पानी जितनी जल्दी सूखेगा, उसके बाद आप इसमें पानी ऐड करेंगे, तब ये प्लांट ऐसी कंडीशन में काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। तो ये एक तरह का ये कैक्टस का ही प्लांट होता है, बिल्कुल इसे बहुत ही कम पानी की नीड होती है। इसके अंदर इसकी ब्रांच में वाइट कलर का सैप होता है, तो ये पानी अपनी ब्रांच के अंदर ही स्टोर करके रखता है। इसे पानी की काफ़ी कम नीड होती है और इसे एक्स्ट्रा कोई भी खाद की जरूरत नहीं होती। इसके सर्दियों में भी काफ़ी अच्छे फूल आते रहते हैं, अगर ये प्लांट बड़ा भी हो जाता है। छोटे प्लांट्स पे भी इस पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग आती रहती है। तो मैंने भी ये प्लांट खरीदे नहीं थे, तो मैं भी ये कहीं से कटिंग लाया था, तो पिछले साल मैंने ये कटिंग को सर्दियों में ही लगाया था और ये देखिए ये बड़ी भी हो चुकी थी। तो आपने क्या करना है, कहीं से भी इसकी कितनी भी छोटी सी भी कटिंग अगर आप ले आएंगे, बस उसको 3-4 दिन शेडी एरिया में ड्राई कर लीजिए, ताकि उसके नीचे वाला सैप सूख जाए और उस पर स्कार आ जाए। उसके बाद आप उसकी कटिंग को ग्रो करेंगे तो बिल्कुल आराम से ये देखिए कटिंग ग्रो कर जाएगी। बस कटिंग में आपने पानी बहुत ही कम देना है, जब 5-10% पानी मिट्टी में रह जाए तभी आपने उसमें और पानी देना है। ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं देना और इसके बस सुबह की 2-3 घंटे की धूप लग जाए जब ये कटिंग तैयार ना हुई हो। जब अच्छे से कटिंग तैयार हो जाए, इस पर रूटिंग शुरू हो जाए, उसके बाद आप इसे फुल डे सनलाइट में रख सकते हैं। तो ये देखिए ये मेरे प्लांट्स अब अच्छे से तैयार हो रहे हैं। तो अब मार्च या अप्रैल में इसे मैं पॉट में ट्रांसप्लांट कर दूंगा, ताकि ये और भी अच्छी ग्रोथ करे। तो जैसे जैसे बड़े होते रहेंगे, हम थोड़ा सा साइज पॉट का बढ़ाते रहेंगे। तो अगर आप साल में एक बार मार्च अप्रैल में इसमें वर्मी कंपोस्ट या डीकम्पोज की हुई गोबर की खाद दे देंगे तो भी ये पूरा साल बहुत ही अच्छी ग्रो करेगा, या आप महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र कोई भी दे सकते हैं, तो ये प्लांट बहुत ही बेस्ट ग्रोथ पे आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।